भी हो रही है यहाँ पर, आप ब्लॉक हो जाओ। खुश हुआ हो रहा है तो शिवा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो नए फ्रेश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आ नया ब्लॉग आ चुका है। आज का ब्लॉग जस्ट ऐसे डेली ब्लॉगिंग है, मतलब जैसे। तो अभी मेरे पीछे बर्फ लगा है, आपको दिखा देता हूँ मैं थोड़ी देर में। आज यहाँ का टेम्परेचर बता दूँ तो -3 है इस टाइम, तो बहुत ठंड है गाइस। तो मैं आप सभी को आज की कंडीशन बता दूँ तो आज बारिश लगी है, साथ में बर्फबारी हो रही है। अभी तो कुछ नहीं है यहाँ पर, सब कुछ खाली है। शायद शाम तक तो बर्फ पड़ी जाएगा, क्योंकि अभी भी बर्फ लगा है, बट आप सभी को दिख नहीं रहा होगा। दिख रहा होगा तो यहाँ पर बर्फ गिर रहा है इस टाइम, सही से कैप्चर होगा नहीं। अगर ज़्यादा बर्फ गिरेगा तो मैं आप सभी को दिखा दूँगा। और आज का मौसम देख सकते हैं, हमारे सामने एक शैलादेव जी का मंदिर है, पर वो नहीं दिख रहा है हमारे को। अभी बर्फ लगा है यहाँ पर, और ठंड बता दो तो देख सकते हैं आप, हमने सॉक्स लगाई है और ठंड से जूझ रहे हैं। अभी मेरे को ये कपड़े धोने हैं यहाँ पर जो रखे हैं मैंने, ये बहुत सारे ऐसे लगे। देखो यहाँ पर बर्फ गिरा है कपड़ों के ऊपर, देख सकते हैं अभी बर्फ कितना तेज हो चुका है यहाँ पर। कैमरे से अगर दिख रहा होगा आपको, आप लोगों को, तो देख सकते हैं। और घर के अंदर देखो कितना आ गया बर्फ यहाँ पर, देख सकते हैं कितना बर्फ गिर रहा है घर के अंदर। बहुत ठंडी हवा चली है यहाँ पर, और सामने का नज़ारा तो अद्भुत है गाइस। और सामने देख सकते हैं, मतलब हम जिसे हमारी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं दोरी, सॉरी कुंडी लगी है यहाँ पर। मेरे को जस्ट 10 मिनट ही हुई थी मतलब अंदर बैठे हुए, तो आप देख सकते हैं बर्फ कितना गिर चुका है यहाँ पर। बर्फ को आप देख सकते हैं कितना आ गया है गाइस, अद्भुत, मतलब बहुत ज्यादा पड़ जाएगा अब तो। इतना बर्फ पड़ चुका है देख सकते हैं आप, सफेद हो रहा है हर जगह सफेद। देखो आप नीचे यहाँ पर कितना खड़ गया है, मतलब वो देखो, वाव मोटा नज़ारे, कितना औसम नज़ारा है। तो दोस्तों बर्फबारी हो चुकी है शुरू, मैं अभी छाते में हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन कहीं पान मतलब बर्फ में भीग ही ना जाए। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं चल के दिखाता हूँ यहाँ पर बर्फ कितना हो गया है। ये देखो पीछे सफेद सफेद हो गया, और अभी भी बर्फ लग गया मेरे यहाँ पर गिर गया। और यार देखो पौधे में खुश हुआ हो रहा है इसके बाद। दोस्तों अभी इतना स्नो पड़ चुका है जो पिछली बार पड़ा था, इतना पड़ चुका है अभी, ये देख सकते हैं आप, अभी भी लगा है, मतलब कितना औसम नज़ारा है, मज़ा ही आ गया। अभी मैंने कपड़े धोए नहीं, एक्चुअली बहुत ठंड लगी थी, चूल्हे के पास बैठ गया था और बाद में अपने बेड के अंदर घुस गया था, तो वीडियोज़ वगैरह देख रहा था। तो अभी चलो धोते हैं इनको, और चार्जिंग फ़ोन में अभी 55% है, तो शायद लाइट जो हमारे यहाँ पे बिजली बोर्ड वाले हैं वो काट देंगे शायद बिजली। अपने फ़ोन को लगाते हैं चार्जिंग, ताकि चार्जिंग रहे फ़ोन में, तो अगर चार्जिंग रहेगी फ़ोन में तो तभी ब्लॉग आ सकता है, तभी आगे कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता बिना लाइट के, तो आपको पता ही है। तो अभी मैं कपड़े ले आया हूँ यहाँ पर, तो धो लेते हैं, कोई फ़ोन पकड़ने वाला है नहीं, तो चलो मैं कपड़े धो लेता हूँ और उसके बाद मिलता हूँ आप सभी को। और यहाँ का व्यू देखो तो यहाँ पर बर्फ हो चुका है इकट्ठा बहुत सारा, तो मिलते हैं आप सभी को बाद में जब मैं सारे कपड़े धो लेता हूँ, उसके बाद ही मिलते हैं। सो दोस्तों मैंने कपड़े धो दिए, आप देख सकते हैं हाथों में कितना उबाल है, मतलब ये धोए मैंने कपड़े, सही से दिख नहीं रहा है, ये देख सकते हैं ये कपड़े धोए मैं। तो ऐसा कुछ बर्फ पड़ चुका है यहाँ पर, और सामने से आ रही है शिवानी और दूसरा कौन है माइकल, ये दोनों आ रहे हैं नीचे से स्कूल से आगे छोटे चुन्ने मुन्ने। और यहाँ सफेद चादर बिछ चुकी है चारों तरफ, आप देख सकते हैं पेड़ों पर तो कुछ अलग ही नज़ारे व्यतीत हो रहे हैं, आप देख सकते हैं मतलब बहुत ही औसम नज़ारे। और हमारे आंगन में बहुत सारा बर्फ इकट्ठा हो गया है, और आप सामने को तो शिवानी और माइकल का यहाँ पर वेलकम करते हुए ये आ गए हमारे शिवानी और माइकल। नमस्ते, बर्फ पड़ चुका है तो मेरे को जूते बदलने पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं मम्मी के साथ अपने जो भी डंगरे है पशु है उन सबको पानी पिलाने, और बहुत ठंडा पानी तो गर्म पानी ले जा रहे हैं साथ में मिक्स पिलाएंगे। सो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम
आगे से चल रहे हैं मम्मी और पीछे से मैं, और बर्फ देख सकते हैं कितना पड़ गया है। गर्म पानी हमने ला दिया है यहाँ पर, अभी दिखेगा नहीं आपको, वहाँ पर है मेरे पशु। तो मम्मी ठंडा पानी लाने गए हैं, ले आए, अभी हम पिलाएंगे इनको। तो पिलाते हैं, दिखेगा तो कुछ है नहीं, बाद में मिलते हैं आप सबको। तो गाइस बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, और ये रही हमारी गौशाला, और ये गौशाला के ऊपर वाला हमने घास वाला स्टोरेज रखी है यहाँ पर, अपने पशुओं के लिए घास इकट्ठा करके रखा है, जो मैंने अभी यहाँ से भूसा भर के दिया मम्मी को, और ये रखा मम्मी ने नीचे। फिर तो चलो हमारा काम यहाँ से ख़त्म हो गया, और चलते हैं अब घर की ओर, तो लेट्स गो। सो दोस्तों अभी मैं नहा धो के चुका हूँ, रेडी तो क्या घर में ही है, मतलब कहीं जा तो रहा है नहीं, बट अभी मैं रेडी हो चुका हूँ ऐसे ही घर में ही इधर उधर, तो ना आ गया हूँ। बहुत ठंड थी गाइस, अभी भी लगा ही है बर्फ, मतलब बंद होने का नाम नहीं ले रहा। गाइस करते इस ब्लॉग को ख़त्म यहीं पर, तो मिलते हैं आप सबको इससे अगले वाले ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय शंकर।